रश्मि देसाई की गिनती टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस में से होती है। रश्मि आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रश्मि देसाई को मिली कलर्स चैनल के शो उत्तरन में तपस्या की भूमि निभाकर। उस दौरान लोग उन्हें रश्मि के नाम से कम और तपस्या के नाम से ज्यादा जानने लगे थे। इतना ही नहीं बल्कि बिग बॉस 13 में एंट्री के बाद से तो रश्मि देसाई की पॉपुलैरिटी में चार चांद लग गए हैं। रश्मि आए दिन सुर्खियों में छाई रहती है, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। बेशक रश्मि देसाई ने अब खूब नाम कमा लिया है, लेकिन शुरुआती दौर में तो उन्होंने काफी धक्के खाए हैं। रश्मि देसाई ने एक इंटरव्यू में खुद ही बताया था कि कैसे वो प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटा करती थी और उन्हें काम नहीं मिल पाता था। रश्मि ने बताया था कि उनकी पहली कमाई महज 1800 और 2000 के करीब थी। अपना पहला कमाई में से रश्मि ने 350 रुपए की साड़ी अपनी माँ के लिए खरीदी थी। बता दे रश्मि ने काफी वेट पुट ऑन कर लिया है। इस बारे में बात करते हुए रश्मि ने कहा था कि वो एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, इस वजह से रश्मि ने खुद को घर में कैद भी कर लिया था। इंटरव्यू के दौरान रश्मि ने बताया था कि उन्हें सिरोसिस नामक बीमारी हो गई थी। इसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें तो घर से बाहर निकलने के लिए मना भी कर दिया था। सिरोसिस के बारे में आपको बता दें कि ये एक स्किन रिलेटेड डिजीज है। ये बीमारी ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। इस बीमारी में डेड सेल स्किन से अलग नहीं होता है बल्कि उसकी सरफेस में इकट्ठा होने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि इससे शरीर पर लाल धब्बे, खुजली, जलन और चुभन भी होने लगती है। रश्मि ने कहा कि वो एक एक्ट्रेस है, ऐसे में उनके लिए उनका चेहरा सब कुछ है। हालांकि इस बीमारी की वजह से रश्मि काफी तनाव में आ गई थी। एक्ट्रेस ने बताया कि ट्रीटमेंट के बाद इसमें काफी सुधार हुआ है।